नमस्कार एनबीसी के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। 29 जुलाई को सिनेमा घरों में फिल्म एक विलन रिटर्न रिलीज हो चुकी है। डायरेक्टर मोहित सूरी लंबे समय के बाद अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिल रही है। फिल्म ने पहले दिन ही यानी कि शुक्रवार 29 जुलाई को 6.75 करोड़ की कमाई की थी। 70 से 80 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 24 करोड़ ही कमाए हैं। जाने फिल्म एक विलन रिटर्न का पूरा मूवी रिव्यू। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। फिल्म में जॉन इब्राहिम, अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया और दिशा पटानी, यह चारों नेगेटिव रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहानी है ऐसे सीरियल किलर भैरव यानी कि जॉन इब्राहिम की, जो प्यार में धोखा देने वाली लड़कियों को जान से मार देता है। भैरव इस फिल्म में रसिका यानी कि दिशा पटानी से प्यार करता है, लेकिन रसिका अपने अमीर बॉस के चक्कर में भैरव को धोखा दे देती है, जिसे भैरव बर्दाश्त नहीं कर पाता और रसिका को वह मार देता है। लेकिन रसिका के मरने के बावजूद वह उसे बातें करता है, यहाँ तक कि उसके साथ हम बिस्तर भी होता है। वही गौतम यानी कि अर्जुन कपूर एक बिगड़े बाप के बेटे बने हैं, जो अपनी मस्ती के लिए किसी भी लड़की के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। मुंबई शहर में एक दर्जन से ज्यादा लड़कियों का मर्डर हो चुका है, जिसमें सिंगर आरवी यानी कि तारा सुतारिया भी गायब हैं। गौतम इस फिल्म में आरवी के कातिल को ढूंढने के लिए निकलता है। वहीं अब फिल्म में गौतम आरवी को सीरियल किलर से बचा पाता है या नहीं, इसके लिए तो बॉस आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म की कहानी में ज्यादा दम नहीं है। पूरी फिल्म में जॉन इब्राहिम ने सिर्फ एक ही गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिया है। फिल्म में आप काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कभी फिल्म में 3 महीने आगे तो कभी 3 महीने पीछे की कहानी ही आगे पीछे करके दिखाई गई है। दिशा पटानी पूरी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ बोल्ड सीन करते हुए नजर आ रही हैं। सच कहूं तो उनका बोल्ड सीन भी इस फिल्म को डूबने से नहीं बचा पाएगा। तारा और अर्जुन पूरी फिल्म में सिर्फ ओवर एक्टिंग करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में सस्पेंस रहता है कि ऐसी वाहियात फिल्मों पर बॉलीवुड क्यों लगातार पैसे खर्च कर रहा है। बताते चलें कि इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म 2014 में आई फिल्म एक विलन का सिक्वल है। जितनी विलन फिल्म की कहानी हिट हुई थी, उतनी ही बेकार इस फिल्म का सिक्वल है। फिल्म का फर्स्ट भाग देखने के बाद दर्शकों को इस फिल्म से उम्मीदें ज़्यादा थी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी सभी लोग एक विलन रिटर्न फिल्म को डूबने से नहीं बचा पाएंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़, गॉसिप्स और मूवी रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल एनबीसी हिंदी को तुरंत सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।